हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 7000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग फोन लेना चाहते हैं या फिर अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको ज्यादा फोन नहीं बल्कि तीन ही ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो 7000 के प्राइस रेंज में काफी खतरनाक लेवल फीचर के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर, बड़ा बैटरी के साथ साथ फास्ट चार्जर का सपोर्ट, अच्छा डिस्प्ले के साथ हाई रिफ्रेश रेट लाइक 90 हर्ट्ज और 6 GB तक का रैम देखने को मिल जाएगा। बोले तो इन तीनों फोन में आपको काफी खतरनाक लेवल का फीचर देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। थर्ड नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी C20। ये फोन थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है अभी के टाइम में भी। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में काफी अच्छा चिपसेट लगा हुआ है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। तो डिटेल्स में बात करते हैं इस फोन का फीचर को। तो इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 190 ग्राम है। ये फोन ज्यादा भारी भरकम फोन नहीं है। 8.9 mm का थिकनेस है, प्लस थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM तथा मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। Realme UI भी 1.0 के साथ आता है जो कि Android 10 पर बेस्ड है। इस फोन में आपको थोड़ा मोरा ब्लोटवेयर्स ऐप भी दिखेगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ और 400 nits का ब्राइटनेस दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस काफी आनंद भी आएगा। वहीं बात करते हैं इस फोन का रिफ्रेश रेट का। तो नॉर्मल 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। रिफ्रेश रेट जो है ना प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेस्ट दिया गया है। और हाँ, एक बात बता देते हैं कि आगे जो फोन बताएंगे ना आपको उसमें लगभग 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप गेमिंग काफी स्मूथली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G35 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ और यह प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर बना है। प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोसेसर इस फोन में काफी धांसू दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और हाँ, आपको पहले ही बता देते हैं कि इस फोन में आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं। 1 GB के अंदर वाले गेम को आसानी से खेल सकते हैं, इससे कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, यानी कि BGMI या फ्री फायर जैसा आप इस फोन में खेल सकते हैं और इससे आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा, मीठा मीठा सा थोड़ा दिक्कत होगा। और लगभग 1,10,000 इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जिसको चार्ज करने के लिए 10 W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, चार्जिंग में यहाँ पे थोड़ा मोरा समय लेगा लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। बैटरी से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो पीछे का कैमरा 8 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 5 MP का दिया गया है और आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा से यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है कैमरा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 2 GB का रैम तथा 32 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए, यह फोन जो है ना केवल एक ही वेरिएंट में आता है और इस फोन को लेने के लिए आपको 6,999 रुपया पे करना होगा, यानी कि नेट 7,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 7,000 के अंदर में ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए काफी बेहतर है। अगर आपको ये फोन पसंद नहीं है तो इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में है, तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। सेकेंड नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको C31। ये फोन भी जो है ना प्राइस के अकॉर्डिंग काफी धांसू फीचर के साथ आता है। तो हमेशा की तरह पहले इस फोन का बेसिक फीचर को देख लेते हैं, बाद में इस फोन का मैन फीचर को देखेंगे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 194 ग्राम है। 9 mm का थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। और ये फोन MIUI 12 के साथ आता है जो की एंड्रॉइड 10 पर बेस है। इस फोन में भी आपको थोड़ा मोरा ब्रॉडवेयर एप्स दिखेगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो काफी स्मूथली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G35 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ और ये प्रोसेसर भी 12 नैनोमीटर पर बना है। प्रोसेसर जो है ना प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में
काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। फिर से आपको बता दें कि इस फोन में आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं, BGMI या फ्री फायर जैसा गेम आप इस फोन में खेल सकते हैं। और लगभग 1.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको चार्ज करने के लिए 10 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए चार्जिंग में थोड़ा मोरा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। पिछले वाले फोन के मुकाबले में कैमरा इस फोन का काफी अच्छा है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 3GB का रैम तथा 32GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए यह फोन जो है ना केवल एक ही वेरिएंट में आता है, और इस फोन को लेने के लिए आपको 7499 रुपया पे करना होगा, यानी कि 7500 रुपया इस फोन का प्राइस है। और हाँ, आप चाहे तो इस फोन को 7000 के अंदर में ले सकते हैं, बस आपको सेल ऑफर का इंतजार करना होगा। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कहीं भी सेल चलेगा, आप उस पे खरीदिएगा तो 7000 के अंदर में ये फोन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये फोन भी पसंद नहीं है तो अगला वाला फोन आपको जरूर देखना चाहिए, वो फोन आपको 100% पसंद आ जाएगा, क्योंकि उसमें 6GB का रैम दिया गया है, पावरफुल प्रोसेसर है, 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। जब उस फोन का फीचर को एक्सप्लेन करेंगे ना तब आपको पता चल ही जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। हमारे लिस्ट का सबसे बेस्ट फोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 8C। ये फोन लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है। इस फोन के फीचर के बारे में हम क्या ही बताएं, इसमें 6GB का रैम दिया जा रहा है जो कि काफी अच्छा बात है। तो एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे। 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा, प्लस कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रिफ्रेश रेट का, तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलना काफी अच्छा है। और आपको पता ही होगा कि गेमिंग फोन के लिए एक पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए। अब देखते हैं इस फोन में कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। यूनिसोक T606 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। ये प्रोसेसर जो है ना काफी लेटेस्ट प्रोसेसर है, और पिछला वाला फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ था मीडियाटेक Helio G35 वाला प्रोसेसर से काफी अच्छा है। और ये प्रोसेसर भी 12 नैनोमीटर पर बना है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लगभग 1.5 लाख इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का स्कोर भी काफी बेहतर है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000mAh का नॉर्मल बैटरी दिया गया है, जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर सकेंगे। बैटरी भी इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा AI लेंस है, और वहीं पे फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। इस फोन का प्राइस जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इनका बेसिक फीचर पे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 193 ग्राम है। ज्यादा भारी भड़कम वाला फोन नहीं है। 3.5mm वाला ऑडियो जैक दिया गया है। इस फोन में भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। और इस फोन में टेक्नो का अपना UI लगा हुआ है, और इस फोन में भी आपको थोड़ा मोरा ब्लॉटवेयर एप्स दिखेगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 3GB का रैम प्लस 3GB का वर्चुअल रैम देखने को मिल जाएगा, और 64GB का स्टोरेज दिया गया है। और आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को और भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 6GB का रैम मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा बात हो जाता है इस प्राइस रेंज में। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए यह फोन जो है ना केवल एक ही वेरिएंट में आता है, और इस फोन को लेने के लिए आपको 7500 रुपया पे करना होगा। अगर आप इस फोन को सेल ऑफर में खरीदते हैं या फिर कार्ड वगैरह यूज करके खरीदते हैं तो आराम से 7000 के अंदर में मिल जाएगा। अगर आपको 7000 के प्राइस रेंज में 6GB रैम वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट है। बस आपको एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन भी चाहिए, तब भी आप ये फोन को ले सकते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, उसी हिसाब से आपको फोन परचेस करना पड़ेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।